हाय, मेरा नाम फॉर शाइनिंग वाला है। मैं शार्क आई किलर एनर्जी यूके इंडिया का डायरेक्टर हूं और आज मैं आपको हमारे फोर व्हील अलाइनमेंट लेजर सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट है रोलर, ये भी काफी जल्दी इंडिया में अवेलेबल कराया जाएगा। बट हमारे जो फोर व्हील अलाइनमेंट लेजर सिस्टम है वो काफी सेम ही है, बस उनकी कैबिनेट डिजाइन में थोड़ा सा फर्क है। अभी जो दो हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल है इंडिया में वो है वेपिड और फैलन। तो आइए मैं बताता हूँ आपको इसे अलाइन कैसे करते हैं, इसे यूज कैसे करते हैं, मशीन को कार अलाइन कैसे करते हैं। दिस मशीन फर्स्टली आपको आपकी कार है उसको डिश टेम्पलेट के ऊपर रखना है। उसके बाद आपको आपका स्टैंडर्ड स्टीयरिंग व्हील क्लैंप लेना है और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर क्लैंप लेना है। सीट आगे लेना है आपको, नीचे इसे स्लाइड करना है और बस इसको आगे पुश करना है, ये ऑटोमेटिकली क्लैंप हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी स्टीयरिंग व्हील मूव नहीं करेगा, वो सही है। अभी हम लेंगे हमारा फ्रंट गेज, फ्रंट सिस्टम लेना है आपको। ये फ्रंट लेफ्ट सिस्टम है, उसको टायर के ऊपर रखना है, एक बार उसका साइज देख लेना है। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट करना है टायर के हिसाब से। यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है जी, आप देख सकते हैं ये नॉब आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आप आपका सिस्टम ऊपर नीचे कर सकते हैं आपके टायर साइज के हिसाब से। जैसे आप देख सकते हैं ये नॉब कर रहा है, तो आपको आपके टायर के हिसाब से सेट करना है इसे। और ये तीन रिम बटन दिए हैं जो रिम्स के ऊपर ही आएंगे। जैसे देख सकते हैं ये भी मूव होते हैं ऊपर नीचे आजू बाजू। जैसे ही ये आपने सेट कर लिया साइज, इसके बाद आपको टायर के ऊपर रखना है। इसके ऊपर ग्रूव्स दिए हैं, वो टायर के ऊपर स्टक करने हैं आपको। जैसे ही वो हो गए उसके बाद आपको देखना है कि आपके जो तीनों रिम बटन है वो रिम उसको टच कर रहे हैं या नहीं। जो नीचे के रिम बटन है वो आपके रिम के 80% रिम पे आने चाहिए और ऊपर का सबसे ऊपर आना चाहिए। तो एक बार आपने सेट कर लिए रिम बटन, आपको उसके बाद आपका जो वाटर लेवल इंडिकेटर है उसको चेक करना है कि उसका बबल बीच में आ रहा है या नहीं। जैसे ये आप देख सकते हैं अभी बबल सेंटर में है और जो सिस्टम है वो पूरा है। और आपको एक बार चेक करना है कि तीनों जो रिम बटन है वो टच हो रहे हैं या नहीं। तो ये आपका हो गया फ्रंट गेज सेट करके। उसके बाद आपको लेना है रियर फ्लैग कॉन्फिगरेशन, उसे आपको सेट करना है रिम के ऊपर। सेम प्रोसीजर, इसको भी आपको एक नॉब मिलेगा आपका जो टायर साइज है उसके हिसाब से। दो रिम बटन्स दिए हैं, इस पे भी एक वाटर लेवल इंडिकेटर है। उसके बाद आपको सेट करना है और देखना है कि इसका जो बबल है वो मिडिल में आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बबल जो है वो मिडिल में। तो हमने ऑलरेडी जो राइट साइड का सिस्टम है वो प्री सेट करके रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों भी। तो अब आप ऑन करेंगे हमारा सिस्टम, जैसे कि आप देख सकते हैं जो लेजर है वो रेयर व्हील पे जा रहा है और वहां का रीडिंग आ रहा है 4। और वैसे भी हम यहाँ पर सिस्टम ऑन करेंगे लेफ्ट साइड का, तो आप देख पाएंगे कि जो राइट साइड का जो रीडिंग है वो लेफ्ट टू स्केल पे आता है और जो लेफ्ट साइड का टू रीडिंग है वो राइट स्केल पे आता है। आप देख सकते हैं दोनों रीडिंग काफी क्लोज है और ये लेफ्ट रेयर व्हील का रीडिंग यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे आ रहा है 8 से थोड़ा ऊपर। तो जो इसका रेयर व्हील है वो थोड़ा सा आउट है, हमें उसे अलाइन करना पड़ेगा। वैसे ही इसका राइट व्हील भी आपको अलाइन। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारा जो फोर व्हील लेजर अलाइनमेंट सिस्टम है वो कैसे यूज करते हैं। आप हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो है विपिट और फैल्कन, वो आज ही बाय कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया जाएगा और आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो प्लीज चेक इट आउट। थैंक यू।